अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाए जाए पनीर रोल, जिसके लिए हमने ले लिया है हाफ मीडियम साइज कैप्सिकम, हाफ मीडियम साइज टमाटर, हाफ मीडियम साइज अनियन, 100 ग्राम पनीर, एक कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया, आप आटा भी यूज कर सकते हैं। और मसालों पे मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। तेल ले लेंगे हम पनीर को फ्राई करने के लिए। पानी ले लिया है आटे को गूंदने के लिए। यहाँ पे मैंने 3-4 टेबलस्पून मेयोनीज ले लिए और यहाँ पे मैंने सॉस ले लिया है 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम पनीर मैरिनेट कर लेंगे। तो पनीर मैरिनेट करने के लिए मैं सारे मसाले डाल दूंगी इसमें, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लास्ट में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूंगी, हमें बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है यहाँ पे। और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से पनीर को। हमें हाथ से पनीर को नहीं मिक्स करना है क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होती है तो मैश हो जाएंगी। हमें मैश नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है इसे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, पनीर को हमें अच्छे से कोट कर देना है। हमें इसे 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे। पैन गरम होते ही हम इसमें तेल डाल देंगे। हमें वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेना है। तो तेल गरम हो जाने देंगे। तो तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अनियन डाल दूंगी। और हमें इस वेजिटेबल्स को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। अब मैं इसमें टोमेटोज डाल दूंगी। आप ज्यादा वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स का यूज कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें इसे चलाकर 2-3 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और 5 वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें टोमेटो केचप डाल दूंगी 1 टीस्पून। और टोमेटो केचप डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। टोमेटो केचप मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखी थी। तो 5 मिनट हो चुके हैं पनीर को मैरिनेट हुए, तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। पनीर डाल के भी हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो मिक्स कर देंगे पनीर को। हमें पनीर को 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, अच्छे से चला लेना है पहले पनीर को, मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूंगी। तो हम पराठे का डो रेडी करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, तो आप आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग और अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया और मैंने यहाँ पे 2 पराठों का के हिसाब से आटा लिया है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पराठे बनाए तो आप ज्यादा कर दें। यहाँ पे मैं 2 रोल बनाऊंगी, तो 2 रोल के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा ले लिया है और ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है हमें। और अब मैं इसे अच्छे से डो बना लूंगी। तो डो को हमने अच्छे से सान लिया है, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं डो को अच्छे से गूंदने में। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर और इसे अच्छे से एक बार मैं अच्छे से नीट कर लूंगी, इसे गूंद लूंगी। और ज्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं होना चाहिए। तो डो अच्छे से सन गया था हमारा, हमने डो को अच्छे से गूंद लिया था। अब मैं इसकी लोइयां बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लोइयां बना के तैयार की हैं। अब हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे
यहाँ पे मैंने एक पराठा अच्छे से बना लिया है, अच्छे से सर्कल शेप का बनाया है। यहाँ पे मैंने पराठा, आप चाहे स्क्वायर शेप का भी बना सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पे रख दूंगी और हमें ऐसे ही दूसरा पराठा भी बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। मैं यहाँ पे पराठा डाल दूंगी। अब हमें 4 से 5 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे एक साइड पराठे को अच्छे से पकने देना है। तो 5 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं इसे पलट लूंगी। तो ऑयल लगा लेंगे हम अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल और डाल और लगा लूंगी मैं। तो अब मैं इसे पलट लूंगी और हमें पलट की दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा दूंगी पराठे पे। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऑयल को। और अब हमें दोबारा इसे पलट लेना है ऑयल को लगा के। अच्छे से ऑयल फैला लेंगे हम पराठे पे और अब हमें इसे फ्लिप कर देना है, यानी कि पलट लेना है, ताकि पराठा दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो अब हमें इस साइड को भी अच्छे से पका लेना है। तो अब पराठा दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, पक चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी सेम वे से हमें दूसरा पराठा भी पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पराठे रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें ले ली हैं। ये हमारी पनीर की स्टफिंग है जो मैंने पहले फ्राई करके दिखाई, और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेयोनीज लगा लूंगी पराठे पे। अच्छे से हमें मेयोनीज लगा देनी है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं मेयोनीज को, लेकिन रोल पराठे में मेयोनीज काफी अच्छी लगती है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून मेयोनीज लगा ली अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे पनीर की स्टफिंग डाल दूंगी। हमें सेंटर में पनीर की स्टफिंग डालनी है। तो अच्छे से स्टफिंग डाल देनी है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं पनीर की स्टफिंग को, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो पनीर बाहर निकलने लगेगी। तो बस अब ऊपर से मैं थोड़ी मेयोनीज डाल दूंगी। हमें फैला लेना है। तो अब हमें से मैंने मेयोनीज लगा दी है, अब हमें से अच्छे से रोल कर लेंगे। देखिए रोल पराठा रेडी है। तो पनीर रोल रेडी है। तो मैं यहाँ पे इसे एक एल्युमिनियम फॉइल लेके इसे रैप कर दूंगी, इसे अच्छे से रैप कर दूंगी हाफ पनीर रोल पे। इसी सेम वे से हम दूसरा पनीर रोल भी रेडी कर लेंगे। तो हमारा पनीर रोल रेडी है और आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है। और अगर आप ज़्यादा मेयोनीज लगाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास आए बेल बटन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट गुड एंड फील गुड। बाय।